फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी ने अपने डोमेन को खोल लिया है, जिससे कि सुकुना प्लेटफॉर्म पर किसी का इंतजार कर रहा है। तो जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 264 रिलीज हो चुका है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चैप्टर की शुरुआत होती है कि यूजी ग्राउंड पर पंच मारता है ताकि सुकुना जहां पर खड़ा है वहां पर उसका बैलेंस बिगड़ सके और हाना के जैको ब्लैडर से सुकुना की हालत खराब हो सके। लेकिन सुकुना वहां पर उड़ते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करता है ताकि वो हाना तक पहुंच सके और उसके जैको ब्लैडर से बच सके। एंजल हाना को वार्न करती है कि यहां से निकल जाए, लेकिन सुकुना एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सुकुना बोलता है कि ये जैको ब्लेडर यूटा के डोमेन पर किया गया था, जहां पर ये सिर्फ मुझे ही टारगेट करता, लेकिन अब इसका असर टोड और यूजी पर भी हुआ होगा। इसी वजह से सुकुना पिलर पर डायरेक्टली हाना की तरफ चला गया और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। सुकुना आगे बोलता है कि हाना के जैको ब्लेडर का आउटपुट इतना नहीं है जितना कि पिछली बार था। इससे पहले कि तुम मुझे मेगुमी फुशिगुरो से अलग करो एंजल, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब सुकुना उसे अपना टारगेट बनाकर उसे ब्लैक फ्लैश मारने लगता है कि तभी टोडो बीच में आ जाता है और उसका पंच अपने आप खा लेता है और हाना को बचा लेता है। टोडो हाना के साथ उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। वहीं सुकुना उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ये आदमी सचमुच का जुजुत्सु सोर्सरर है। सुकुना नोटिस करता है कि हाना और टोडो दोनों हिल नहीं सकते, इसलिए वो एंजल को बाद में खत्म करेगा। लेकिन तभी जैकोब लेडर में से यूजी निकल कर आता है। सुकुना ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूजी जैकोब लेडर के अंदर जल रहा था, लेकिन फिर भी वो इसका पीछा कर पाया। यूजी सुकुना के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद उसकी दोनों टांगे पकड़कर उसे बिल्डिंग के ऊपर पटक देता है। सुकुना जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है, यूजी उसकी जमीन के ऊपर श्राइन टेक्निक का इस्तेमाल करके सुकुना को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसी टाइम पर यूजी को पंच मारकर दूर गिरा देता है और उसके दोनों हाथ एकदम से रीजनरेट हो जाते हैं। नैरेटर हमको एक्सप्लेन करता है कि दो ब्लैक फ्लैश मारने के बाद किंग ऑफ कर्सेस की रिवर्स कर्स टेक्निक वापिस आ चुकी है। सुकुना फिर से यूजी को पकड़ता है और उसके चेहरे और बॉडी पर लगातार पंच मारने लगता है, जिसके बाद वो फिर से यूजी के चेहरे पर अपनी नीज से हमला करता है। सुकुना सोचता है कि यूजी की डिसमेंटल, जो कि मेरे और मेगुमी के बीच की बाउंड्री को टारगेट करती है, वो काफी खतरनाक है, लेकिन ये पूरी तरह से यूजलेस है अगर यूजी उसे हिट ही नहीं कर पाया तो। वहीं पर यूजी फिर से हार नहीं मानता क्योंकि उसके पास बैकअप है और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, पर सुकुना यूजी को सोल डिसमेंटल को इस्तेमाल कर नहीं नहीं देता और उसे पंच मारकर फिर से दूर पटक देता है। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक बताया जाता है, जिसमे की गोजो यूजी को डोमेन के बारे में जोगो के साथ लड़ते हुए बता रहा था। गोजो बोलता है की डोमेन कर्स एनर्जी को काफी ज्यादा यूज करता है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है। सबसे पहला, डोमेन किसी भी यूजर को सबसे बड़ा फायदा देता है उसकी पावर को बढ़ाकर, जैसा कि वीडियो गेम में होता है। और कोई भी कर्स टेक्निक जिसे कि तुम डोमेन के अंदर इस्तेमाल करते हो वो हमेशा ओपोनेंट को लगती ही है। उसी टाइम पर यूजी अपने डोमेन एक्सपेंशन को सुकुना के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि यूजी ने कुसाकाबे के साथ बॉडी स्वैप टेक्निक की थी, उसकी वजह से उसने बैरियर टेक्निक के बेसिक्स को सीख लिया था। इसी वजह से यूजी डोमेन को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी जान चुका है। तभी सुकुना देखता है कि वो किसी अननोन स्टेशन पर है, जहां पर वो यूजी की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है। पीछे से यूजी उसके पास आता है और बोलता है कि लेट्स गो सुकुना। ऐसी सिचुएशन देखकर सुकुना के तोते उड़ जाते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। चैप्टर के अंत में एडिटर कमेंट करता है कि दोनों की डिसिसिव बैटल एक अननोन डोमेन के अंदर जा चुकी है। इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।